आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें आप कई मूवीज़, बिग बॉस जैसे पॉपुलर रियलिटी शोज़ में हमें एंटरटेन करते हुए देख चुके हैं, और अब वो एक बार फिर से आ रही हैं हमें एंटरटेन करने, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अवतार में। सबसे पहले तो बताऊँ, ये मेरा पहला टेलीविज़न शो है, और टेलीविज़न शो मीन्स डेली सोप, पहला डेली सोप है, और मैं नेगेटिव कैरेक्टर भी पहली बार कर रही हूँ। काफ़ी समय से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट कुछ करूँ, क्योंकि मैं फिल्म्स तो बहुत कर चुकी हूँ जिसमें बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, तो हमेशा कोई भी आर्टिस्ट को डिफरेंट कुछ करने का मन होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट किरदार करें, डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाएं। तो फाइनली आई गॉट दिस नेगेटिव रोल, वो भी इतने बड़े बैनर से, इतने बड़े चैनल पर, स्टार प्लस एंड देन गुल मैम का प्रोडक्शन हाउस, जो बहुत सारे हिट शोज़ ऑलरेडी दे चुके हैं। सो जब मुझे टाइम का जो किरदार है वो मुझे सुनाया गया, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, तो क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल डायन है, इसका नाम मोहना है, और इसके पास बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं जो सारी उसकी चोटी में बंधी रहती है। अपना चोटी यूज़ करके वो मतलब सबका विनाश करती है, कहीं पे भी जाती है तो सब जल जाते हैं, सब ख़त्म हो जाता है, विनाश होता है। सो काफ़ी ख़तरनाक खलनायिका है ये, एंड पूरा जिसको बोल सकते हैं कि उसकी नज़र बहुत काली है, जिस पे भी आ जाए तो मतलब फिनिश। दैट वाज मोनालिसा, क्योंकि वो रियलिटी शोज़ है ये। एक जब मैं हम एक्टिंग करते हैं, जब हम कैमरा के सामने होते हैं, वो रील लाइफ होता है, तो रील लाइफ में आपको कुछ भी बनना पड़े, आपको कॉलेज गोइंग गर्ल या माँ या बेटी या प्रेमिका या लवर या विधवा या डायन, तो आपको अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना है। सो दैट्स मी। वो तो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसको भी पता है, वो भी चाह रहा था कि मैं टेलीविज़न स्टार्ट करूं, और मैं खुद भी चाह रही थी कि मैं टेलीविज़न करूं। तो फाइनली जब मुझे ये ऑफ़र फाइनल हुआ, तो वी बोथ वेर वेरी हैप्पी, एंड वी हम तो मना रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, वैसा ही हुआ। तक हम लोग सिर्फ स्टोरीज सुनते थे, बचपन से सुनते आ रही हूँ डायन चुरेल की स्टोरीज, जब तक सिर्फ सुनते हैं तब लगता है कि हाँ होगा कुछ ना कुछ पावर होगा, बट ना हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, तो हम उतना भी बिलीव नहीं करते हैं। बट डेफिनेटली जब खुद के साथ हो चुका है, तब तो मतलब मानना ही पड़ेगा कि हाँ, जैसे भगवान जी हैं, पॉजिटिव एनर्जी है वो, वैसे नेगेटिव एनर्जी के साथ एविल सोल्स भी होते हैं, जो मैं हूँ इसमें। मैं एक शूट पे गई थी, तो वहाँ पे मतलब वो कोई प्रैंक नहीं था फ्रॉम एनी शूटिंग वाला, या कोई भी मेरे साथ मस्ती नहीं किया था, क्योंकि वो जो दरवाज़ा में बैंग हुआ था वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पा सकता था, कोई कीज़ या कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, एंड वो हॉन्टेड प्लेस भी था, सब लोग मुझे बताए थे कि ये है जगह ऐसी, लेकिन ये कभी किसी का बुरा नहीं करती है। तो मेरे दरवाजे पे बहुत ज़ोर से बैंग हुआ था, और मैं सो रही थी, मैं उठी और मैं तो मतलब कांप रही थी, हार्ट बीट्स ऐसे हो रहे थे, और पूरा पसीना पसीना हो गई थी। सो दैट वाज दैट पापरे वेरी बैड एक्सपीरियंस। मैं इसमें भी बहुत सुंदर ही हूँ, और मतलब वही जो बताना चाह रही थी कि इस डायन को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये डायन है, क्योंकि लोग इसी में फंस जाएंगे। तो शी इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और मतलब ड्रेस्ड अप रहती है, सुंदर रहती है, सारी चीज़ें हैं, बट जब वो काम जो करती है, जो पावर्स यूज़ जब करती है, तो वो गलत होता है, वो ख़तरनाक होता है। तो वैसा ही मतलब मेरा कैरेक्टर भी है, मतलब मैं पर्सनली या सामने से मैं ऐसी रहती हूँ, मतलब हैपनिंग। फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे अलग अलग रोल्स में हमेशा देखते आए हैं, दिस इज़ टोटली न्यू फॉर मी, एंड बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है और डिफरेंट है, एंड मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ करते हुए, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे, एंड लाइक मी, लव मी, सपोर्ट मी इन माई नेगेटिव रोल, और इस डायन की नज़र से तो बच के ही रहिए। थैंक यू मैम। Thank you.